में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था पल्लवन किसे कहते हैं। किसी सूक्ति, उक्ति, कहावत आदि के विस्तार को हम पल्लवन कहते हैं। आज के अध्याय में हम जानेंगे भाव पल्लवन किसे कहते हैं, यानी कि भाव पल्लवन का क्या अर्थ होता है और इसे हम कैसे करते हैं। भाव पल्लवन यानी कि किसी भी लोकोक्ति में या किसी वाक्य में निहित भाव को विस्तार पूर्वक समझाना ही भाव पल्लवन कहलाता है। इसमें किसी उक्ति, वाक्य, कहावत, लोकोक्ति आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। आपने कभी सोचा है दोस्तों कि विस्तार की आवश्यकता क्यों होती है? हमें जब होती है विस्तार की आवश्यकता, जब हमें जो वाक्य होता है उसमें मूल भाव कोई संक्षिप्त होता है या सघन हो या बहुत समझने में कठिन हो। और कई बार भाषा के प्रयोग में ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जब हमें उस उक्ति में निहित भावों को भी स्पष्ट करना पड़ता है। यही कहलाता है हमारा भाव पल्लवन, और इसी के बारे में हम आज के अध्याय में जानेंगे। हम अपने भाषा व्यवहार में कई सूत्र, वाक्य, सूक्तियाँ, कहावतें, लोकोक्तियाँ आदि बोलते और सुनते रहते हैं। जैसे कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब हमने इन लोकोक्ति को बोल तो दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें इसके अंदर इन लोकोक्तियों में निहित भाव को समझ ही सके। तो हमें इसमें निहित भावों को स्पष्ट पूर्वक ऐसे समझाना होगा कि समझने वाले को वह भाषा कठिन ना लगे। इन सूक्तियों और कहावतों में भाव या विचार गठे और एक दूसरे के साथ बंधे तो रहते हैं, और इन विचारों या भावों के समझने के लिए ही इनका हमें विस्तार से विवेचन भी करना होता है, ताकि जो उसमें छुपा हुआ गहरा अर्थ है उसे हम स्पष्ट कर सकें। वास्तव में भाषा व्यवहार में निपुण होने के लिए हमें भाव पल्लवन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, जिससे हम ऐसी अभिव्यक्तियों में निहित भाव को इस प्रकार विस्तार करके बता सकें कि पढ़ने वाले को या सुनने वाले को अपनी बात अच्छे तरह से स्पष्ट कर सके। अब चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसमें हमें इस उक्ति का भाव स्पष्ट करना है। दोस्तों, प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय पर ही फलदायी होता है, और समय व्यतीत हो जाने पर वह कार्य व्यर्थ हो जाता है। अब आप देखिए, कृषि में जब वर्षा होने का समय है, उस टाइम पर यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, कृषि सूख जाएगी और बाद में लाख प्रयत्न करने पर भी वह हरी नहीं होगी। और जैसे कोई घर में रोगी है, बीमार है, उसे आप उस टाइम तो दवाई दिला नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, बाद में यदि आप उसे बहुमूल्य दवाइयाँ या कीमती से कीमती दवाइयाँ भी दिलाते हैं तो वह उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। और जैसे जो व्यक्ति समय पर सावधान हो जाता है वह अपना कार्य पूर्ण कर सकता है, परंतु जो समय का सदुपयोग ना करके अवसर खो देता है वह बाद में पछताता है। अब आप जो भी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, यह उम्र आपकी पढ़ने की है और इस उम्र में आप पढ़ लेते हैं, अब तो आपको इस उम्र की हुई पढ़ाई पूरी उम्र ही अच्छा फल देगी। बाद में एक उम्र निकल जाने के बाद यदि आप सोचेंगे कि 30 साल के बाद मैं डॉक्टरी कर लूँगा या ये कुछ भी अच्छे गवर्नमेंट सर्विस के लिए, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकूँगा, तो व्यर्थ है। तो मेहनत तो आपको अभी करनी होगी। दूसरा भाव पल्लवन देखिए, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। सुमति का अर्थ होता है अच्छी बुद्धि, यानी कि जब सुमति होती है उस अर्थात सद्बुद्धि होती है तो कोई भी मनुष्य अच्छे मार्ग पर चलता है और धर्म का अनुसरण करता है। क्या होता है, सुमति के प्रभाव में उसके पास वैभव, सुख और संपत्ति होती है और इनमें दिन रात वृद्धि होती रहती है। सुमति से, सद्बुद्धि से उसके सब कार्य अच्छे बन जाते हैं और वह सब जगह शांति का अनुभव करता है। सुमति ही मनुष्य को धर्म और ज्ञान की ओर ले जाती है। लेकिन इसके विपरीत
जब मनुष्य कुमति के प्रभाव में पड़ता है, कुमति यानी कि बुरी बुद्धि के प्रभाव में पड़ता है, तो वह अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। सब जगह कलेश झगड़ों में वृद्धि हो जाती है, कुमति से विपत्तियों की संख्या बढ़ जाती है और निराशा के साथ मनुष्य को विफलताओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा भाव पल्लवन है, काजर की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लीक काजर की लागही पे लागी है। यानी कि यदि कोई मनुष्य कोयले की खदान में जाता है तो आवश्यक है कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी लीक भी जाए, लगेगी जरूर उसके ऊपर, यानी कि काला निशान जरूरी है। आप ऐसा सोचें कि काजल की कोठरी में यानी कि कोयले की कोठरी में जाने के बाद भी कोई मनुष्य के शरीर पर एक काला निशान ना लगे, कपड़ों पे ना लगे, धब्बा भी ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता। और इसी प्रकार बुरे लोगों के बीच में रहकर उनके दुर्गुणों से बचना भी असंभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी संगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपना प्रभाव जरूर डालेगी। आप यदि दिन रात बुरे लोगों की संगत में बैठे हैं तो जरूर कभी ना कभी कोई कितनी भी कोशिश कीजिए आप बचने की, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई बात आपके मन में जरूर घुस जाएगी और कहीं ना कहीं आप उसके दुर्गुण को थोड़ा बहुत ही चाहिए प्रत्यक्ष रूप से ही अपना लेंगे। तो दोस्तों, यह हमने जाना भाव पल्लवन के बारे में। आप लोगों का आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।